रहीम, आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी है दो बातें करने के लिए। मैं 9th और 10th मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसके हवाले से अंडरटेकिंग भी दी है, और ना सिर्फ 9 और 10 मई लेकिन हर किस्म का वायलेंस हमेशा से कंडेम किया है। खास तौर पे जो स्टेट रियासती सिम्बल्स होते हैं, जैसे GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज्यादा मजम्मत करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। दूसरी बात जो मैंने कहनी है मेरी सेहत के हवाले से, और जो आजमाइश मेरी बच्ची ने, ईमान ने खास तौर पे मेरी वजह से इस पे गुजरना पड़ा, इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली, बिलखसूस अपनी माँ और अपने बच्चों का, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मेरे हस्बैंड की 5 महीने हुए हैं उनकी डेथ को, तो मेरे बच्चों के, आई एम नाउ दी ओनली पेरेंट। जब डॉक्टर ताबिश लाइफ थे तो बहुत सी चीज़ें इंसान कर सकता था, क्योंकि उनका साया भी था बच्चों के ऊपर, अब वो नहीं है। तो बच्चों की वजह से, अपनी वालदा की वजह से, और जाहिर है अपनी सेहत की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इन 12 दिनों में, मैं क्या कहते तवज्जो इन चीज़ों पे अब ज़्यादा दूंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी हैं, और जाहिर है उसकी वजह से मेरी सेहत भी मेरी प्रायोरिटी है, और उसके अलावा इस वक्त मेरी कोई चीज़ और इम्पोर्टेंट नहीं है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।